अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नादर दुनीज में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नादर शहर के चेतन नगर के इलाके में एम कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स के ऑफिस का इफ्तिताह मुबारक बिन सलाम चाउस के हाथों अमल में आया। इंसान का ख्वाब होता है कि उसका आशियाना तमाम घरों से ज़्यादा खूबसूरत व दिलकश बने। इन्हीं ख्वाबों को हकीकत का रूप देने और मुआशरे में तमाम अफराद के भरोसे पर पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर पूरा उतरने और लोगों का एतमाद जीतने वाले कंस्ट्रक्शन और इंजीनियर्स का नाम है एएम कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स। देखिए, मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि वाली साहब वगैरह जो है नांदेड़ में अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल से काम वगैरह कर रहे हैं और हम भी वाली साहब के साथ में ही हैं। यानी कि हमारे लोगों का जो काम है अल्हम्दुलिल्लाह काम नंबर एक है। यानी कि लोगों के जैसा बोलने की जैसे नहीं है कि भाई ऐसा काम है वैसा काम है, काम नंबर एक है, बहुत अच्छा काम है अल्हम्दुलिल्लाह। प्लान के तक भी हमारे पास चैलेंज नहीं है, प्लान भी हमारे पास में नंबर एक बनता और टोटल विथ मटेरियल काम करते हमारे पास में। और हमारे पास में एक ऐसा है कि एक भरोसे का काम जिसको बोलेंगे वो भरोसे का काम होता। वादे हो के शहर के चैतन्य नगर कालबंडे कॉम्प्लेक्स में आज एएम कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स के ऑफिस का शानदार इफ्तिताह मुबारक बिन सलाम चाउस के हाथों अमल में आया। इस मौके पर अहमद चाउस, हाफिज शोएब चाउस, आमिर चाउस ने इफ्तदाई तकारीब में शिरकत दर्ज करने वाले शहर के मौजिस शहरियान व सियासी कायदीन उलमा इकराम व जी असर शख्सियात का इस्तकबाल किया। इस मौके पर शहर के मौजिस अफराद ने एम ए कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स के ऑफिस के जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश की। यानी कि घर बनाना बोलते एक ऐसी चीज़ है कि भाई लोगों का एक ख्वाब रहता, लोगों का एक ड्रीम रहता कि भाई मैं घर बनाऊं, कि भाई मेरे को कहाँ अच्छा मिलेगा, मैं कहाँ करूँगा। तो हमारे पास में आ सकते, हमारे पास में कर सकते, काम नंबर एक होगा और बहुत सारे काम करें अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे बिल्डिंग हमारे यहाँ पे वाले भाई, हमारे वालिद साहब का कहना ये है कि हम जो काम करते 175 रुपये जब स्क्वायर फीट था वो प्लेट से काम करते वालिद साहब विथ मटेरियल। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह आज तो उसका मजदूरी का भी रेट नहीं हो। तो एक बार हमारे पास एक बार रब्ता कायम करें हमसे और हमारे पास में वास्तु के हिसाब से नंबर एक क्या है, नंबर एक काम होता। चाउस साहब का इंजीनियरिंग में मैंने आज तक बहुत सारे इंजीनियर देखा हूँ सर। इनकी इंजीनियरिंग में जो कला है वो शायद ही कहीं हमने नहीं देखी है। हमारे भी घर पर काम किया है, एक हॉस्पिटल का भी काम किया है कोठा में। बहुत ही अप्रतिम इनका कार्य है, इनके कला है वो शायद हमने कहीं देखा तो नहीं है। लेकिन कैसा है इनका कला, कम समय में कम खर्चे में अच्छे से अच्छा इनका काम देना, ये इनका जो है वो एक आदत बोलो या उनका रवैया बोलो, ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा है। तो उसके लिए मैं इस उद्घाटन के समय पर इनको बहुत सारी बधाई देता हूँ। नांदेड़ वासियों को ये मेरा एक निवेदन है कि भाई आप 10 जगह पूछिए लेकिन कारागिरी या दिमाग या इनकी कला है वो उनको देखते हुए इनको जो है वो कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि कोई सेटिस्फाइड नहीं है, ऐसा नहीं है, काफ़ी सेटिस्फाइड है। मटेरियल के साथ हमने दिया है, एक रुपए का भी इधर उधर नहीं होते हुए वो पूरे के पूरा वो यूज़ करते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ। आज जो है आज का ज़माना ऐसा है कि पैसे का जो उसका जो विनियोग है जो उपयोग है वो पहले खुद का सोचते हैं, या हमारे चौसा ऐसा है कि वो दूसरों का सोचते हैं, ग्राहक का सोचते हैं, ये ज़रूरी है। तो ये आज के ज़माने में ऐसा कोई नहीं करता है, ये बहुत ही यानी अच्छी बात है। और मैं तो कहता हूँ कि इंजीनियरिंग में ऐसा ईमानदार और अच्छा व्यक्ति हमने जो है पहली बार देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम रामकृष्ण चक्रवार, मैं वजीराबाद रहता हूँ। मेरा श्री पांडुरंग एजेंसीज डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। मैं कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन का यानी कि महाराष्ट्र कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन का महाराष्ट्र का मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। मैं सभी कार्य में रहता हूँ, समाज कार्य में भी काम करता हूँ, तो इसके लिए थोड़ी सी मैं जानकारी इस हद तक भी रखता हूँ। उसके लिए मैं और मुझे ये बोलने का सौभाग्य मिला, ये बहुत बहुत शुक्रिया। चाउस साहब एक बहुत नेक इंसान है। हम काम के बारे में तो उसको इनके उनको बोलना उसके बाद शब्द कम है। वो आप जो काम जो करते हैं
वो खुद का काम समझ के करते हैं, काम में लगन लगा के। अब जो गिरा जो कस्टमर है उनका ज़्यादा से ज़्यादा हित होना, वो खुद का नहीं सोचते कि अपना क्या इधर लॉस हो रहा है कि क्या हो रहा। पहले कस्टमर को कितना अच्छा सेवा देना, ये उनके ये है। और नेक और अच्छी तरह से वो काम करते, काम में कभी कहाँ भी ये नहीं एडजस्टमेंट नहीं करते। अच्छा जितना कस्टमर को सुख होता वैसा वो सोच के काम बनाते। इनके बारे में दो चार लफ्ज बोलना ये वो कुछ नहीं, मैं बोल नहीं सकता। दो घंटे भी बात किए तो भी नहीं ख़त्म होता। वैसी साफ की लगन की से साथ ईमानदारी के साथ कम खर्च में और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक को हित में ये मिलता एडजस्ट में ये होता, ऐसे वो काम करते हैं। साहब के बारे में बोलना ऐसे दो तीन लफ्ज में नहीं ख़त्म होता। अगर मैं एक दिन भी बात करते रहूँगा तो साहब की मैं पूरी तरह से ये नहीं कर सकता हूँ। थैंक यू। चौस भाई का जो नेचर है बहुत ही बढ़िया है, और बाद में खाली नेचर नहीं है लेकिन हर चीज़ के बारे में वो जो क्वालिटी से काम करते हैं वो बात हमको सबसे अच्छी लगी। और आज तक जब से काम चालू हुआ और काम ख़त्म हुआ हमको पता ही नहीं चला कि ये सब बातें जो हो गई है कितनी अच्छे मायने हमारे लिए रही है कि ये हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते। थैंक यू सर। और क्वालिटी के बारे में कभी भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, ये लास्ट तक हमने देखा वाला है। और इसलिए हम पूरे दिल से शुक्रगुजार हैं उनके। और क्योंकि इनकी हर तरह से जो भगवान है अल्लाह है वो मदद करते रहे और सबका सहकार्य उनके तरफ रहे, यही हमारी कामना है। हमारे यहाँ फर्नीचर पलंग सिंगारदान सोफा सेट अलमारी डाइनिंग टेबल फ्रिज कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रूफ राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।